हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार। तो आप सभी को एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, तो उसने जो हमीरपुर है उसने शॉर्टलिस्ट कर दिया है। JOIT 817 के जो DB है वो होने वाली है। मैं आपके सामने नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ने शॉर्टलिस्ट किया है, और जो ये HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर था विद इफेक्ट फ्रॉम 14/7/2021 से लेकर के 26/8/2021 वाले, और 1 फरवरी 2022 से लेकर के 24 फरवरी 2022 तक, तीसरा 2 मार्च 2022 से लेकर के 22/6/2022 तक जो रिक्रूटमेंट रिमेनिंग थी 479 पोस्ट की, जिसमें जनरल की 150, EWS की 66, इसी तरह से SC ST जो है थी, JOIT पोस्ट कोड 817 की एडवर्टीजमेंट थी, इसका जो नोटिफिकेशन था ये 21/9/2020 को निकला था, ठीक है, और इसका एडेंडम जो हुआ था वो 20/10/2020 और 22/1/2021 को हुआ था। इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी हैं। और अगर मैं बात करता हूं, एक और है जो HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने जो 1867 पोस्ट की थी, ठीक है, जिसका मैं कह सकता हूं कि पोस्ट कोड 817, जिसमें 1388 पोस्ट थी, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अलग अलग कैटेगरीज की जो पोस्ट थी उसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT जिसको कहते हैं, इसमें जो है जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, यानी कि 4,335 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, जो इसका 15 मार्क्स का इवेल्यूएशन टेस्ट है, ये कंडक्ट करने जा रहे हैं 1/8/2022 से लेकर 31/8/2022 के बीच में आते हैं। इसमें क्या है, इनका जो 1375 का जो कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्टेड ये होना है, बाकी यानी कि 4000 कुछ लोगों का ये किया गया है। तो मेरे पास लिस्ट है, आप टेलीग्राम में जा कर के देख सकते हैं। तो 4 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है कि कुछ ही दिन के अंदर अंदर आप लोगों की जो ये इसकी DV है उसका भी इंतज़ाम कर दिया जाएगा। 1375 कैंडिडेट्स का नाम जो है वो आ चुका है, और